नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद जब उसकी कीमत नहीं मिलती है तो गरीब का, दलित का, मजदूर का, महिलाओं का दिल टूट जाता है। जी हां, मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी मोदी सरकार में दलितों का, गरीबों का, मजदूरों का, महिलाओं का करीब 15,000 करोड़ रुपए डूब गया। मोदी सरकार में इन गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का, मजदूरों का, श्रमिकों का यह पैसा निजी कंपनियों में डूब गया, या यूं कहें कि देश के उद्योगपति इन मजदूरों का, गरीबों का और दलितों का, महिलाओं का 15,000 करोड़ रुपए डकार गए। जी हां, यह धनराशि 15,000 करोड़ रुपए की उद्योगपतियों ने वेतन से कटौती तो मजदूरों से की, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस धनराशि को नहीं जमा कराया। लिहाजा यह 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की डूब गई। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर भी शामिल है, इसमें उद्योगपति भी शामिल है, औद्योगिक घराने भी शामिल हैं, छोटे कल कारखाने के मालिक भी इसमें शामिल हैं, जिनके यहां भविष्य निधि लागू है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में देश के उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया, तो वहीं उद्योगपतियों ने मजदूरों का, दलितों का, महिलाओं का 15,000 करोड़ रुपए डकार लिया। श्रमिकों का वेतन से भविष्य निधि और पेंशन का अंशदान तो काटा जाता रहा, लेकिन उद्योगपतियों ने भविष्य निधि यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस धनराशि को जमा नहीं कराया, जिससे अब उनको ना भविष्य निधि की राशि मिल सकती है, ना उनको पेंशन मिल सकती है, जिससे वह बुढ़ापे में अपनी रोजी रोटी चलाएं। अब आंकड़ों की देखें तो 2018-19 में यह धनराशि करीब 8,000 करोड़ रुपए थी। 2020-21 में यह बढ़कर धनराशि 11,000 करोड़ रुपए हो गई। 11,000 करोड़ रुपए 18-19 में जो धनराशि थी, लगातार प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए की यह धनराशि बकाए की बढ़ रही है। और हालात यह हुए कि 2022-23 में यह धनराशि बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो गई। वस्तुतः नियम यह है कि वेतन कटौती के समय जो अंशदान लिया जाता है, वेतन कटौती में जब श्रमिकों का, कर्मचारियों को भुगतान देती हैं कंपनियां, तो उनसे अंशदान के रूप में भविष्य निधि और पेंशन का अंशदान ले लिया जाता है, उसकी कटौती वेतन से कर ली जाती है। कंपनियों के लिए यह नियमावली है कि अंशदान वेतन कटौती से, वेतन कटौती से जब अंशदान काटा जाता है यानी अंशदान की कटौती के बाद 15 दिन के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में यह धनराशि जमा करा देनी चाहिए, लेकिन अक्सर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, जिससे बकाया धनराशि बढ़कर अब 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। वस्तुतः देखें तो नियम यह भी है कि यदि कोई नियोक्ता यानी उद्योगपति कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा नहीं जमा करता है तो उसके खातों को सीज कर दिया जाता है, उसके संस्थान में तालाबंदी तक की जा सकती है। और इतना ही नहीं, यदि वह बार बार नोटिस के बावजूद पैसा नहीं जमा कर सकता है, जमा करता है, तो उसे जेल का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक किसी भी उद्योगपति को कर्मचारी भविष्य निधि के बकाए में जेल नहीं भेजा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई की है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार कर्मचारियों के हित कितनी हितैषी है। उद्योगपतियों का जो कर्ज था वह मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन गरीब का, मजदूर का, श्रमिक का, दलित का, महिलाओं का जो भविष्य निधि का पैसा था, जो उसकी पेंशन अंशदान था,
वह भविष्य निधि कार्यालय में नहीं जमा कराया गया, लिहाजा अब ऐसे कर्मचारियों को जिनका बकाया है उनको न तो भविष्य निधि मिल सकती है और न पेंशन मिल सकती है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जिसने हाड़ तोड़ मेहनत की हो, खून पसीना एक किया हो, मेहनत मजदूरी की हो संस्थानों में, और जब उसे भविष्य निधि नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो वह उसका दिल टूटेगा, उसका दिल रोएगा। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक किसी भी उद्योगपति के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे देश में यह संदेश जाता कि भविष्य निधि का पैसा मारने वाले उद्योगपतियों की खैर नहीं है। अब सवाल इसी के साथ यह उठता है कि आखिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अफसरों को, संगठन को जो भारत सरकार ने अधिकार दिए हैं, वह किस लिए दिए हैं? नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार संगठन को दिया गया है वह किस लिए दिया गया है, और वह संगठन यानी संगठन नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, यह एक बड़ा सवाल उठता है। बात तो यह है कि अभी तक संगठन की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं की है, भले ही उसने 15,000 करोड़ रुपए मार दिए, डकार लिए। कोई भी कानून तभी सार्थक होता है जब उसे अमल में लाया जाता है। उस कानून की कोई सार्थकता नहीं है जिसको अमल में ना लाया जाए। ऐसे कानून औचित्यहीन होते हैं, और जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपए भविष्य निधि का और पेंशन अंशदान का उद्योगपतियों ने डकार लिया, ऐसे कानून की शिथिलता के कारण आगे भी ऐसे मामले होते रहेंगे। कर्मचारी पिसता रहेगा, कर्मचारी का अंशदान यानी कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि और पेंशन का अंशदान काटा जाता रहेगा, और उद्योगपति उसे डकारते रहेंगे। कोई भी सरकार इस मामले में सख्ती करते नहीं दिखती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।